वंस अगेन वेलकम बैक, नई सुबह, नई उमंग, नया सवेरा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और प्यार, अमन, मोहब्बत की बातें जो बहुत ज़रूरी हैं। और ये एक ऐसी ज़बान होती है जो ना सिर्फ इंसान बल्कि आपने अगर घर पे कोई जानवर भी रखा हुआ है ना, और अगर आप उससे भी प्यार से बात करेंगे ना, तो वो भी आपका जो है ना वो आपको पसंद करेगा और आपको आपके साथ एक उनसियत लगाएगा। तो फिर इंसान कैसे नफरतों की बात करते हैं। और शॉनरे पीस एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे आपके एल्बम की, और आई थिंक उससे पहले कॉलर हैं, तो मैं कॉल ले लेती हूँ, फिर हम उस पर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल। ब्रेकफास्ट नहीं किया ना आपने अभी तक? बहुत ही हेलो खुशी हुई कि हेलो जी जी कहिए कहिए जी। मैं कह रही हूँ कि आपका शो देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। कि हमारे मुल्क ऐसे लोग भी अमेरिका में हैं जो हमारे मुल्क को इतनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब बाहर के लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तानी जो होते हैं वो सिर्फ गलत ही काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी इमेज जो है, जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, इनकी वजह से बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल, और उसी सोच को हमें खुद बदलना है, और इसीलिए आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनमें उस सोच को ख़त्म किया जा सके कि कोई बात नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, सिर्फ आप आगे देखें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। इन्होंने जो बात की उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, देन फिर हम आपके एल्बम की तरफ भी आएँगे। हम यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ जाएंगे, कमाएंगे भी, सारी चीज़ें होती हैं। मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रही, मैं एक सिर्फ सवाल है आपसे कि लेकिन फिर भी दिल में एक फ़र्क जो है ना, उन्होंने वो कायम रखा हुआ होता है कि ना नहीं, ये अब ये मतलब वहाँ रहते भी हैं लेकिन फिर भी दिलों में ना उन्होंने वो होती है, उनके फ़र्क रहता है। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप वहाँ रह रहे हैं, उनके बीच में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए? पता जी, मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूँ, ठीक है जी। देखें, हमारे पाकिस्तान में पेशावर साइड के कितने मिलियन से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ हैं जो 80 से भी यहाँ सेटल्ड हैं, 25-27 साल से। अगर वो भी अगर पाकिस्तान में हो, हम सुनना शुरू कर दें जी हमको पाकिस्तान पसंद नहीं है, हमें तो अफगान ज़्यादा पसंद है, तो हम भी बोलेंगे यार तुम यहाँ क्यों रह रहे हो फिर, ठीक है ना जी। तो हम भी चाहते हैं कि वो अफगानी जो उनसे लोग हैं यहाँ रिस्पेक्ट करें पाकिस्तान को, वो भी वो यही चाहते हैं कि जी हम अगर वहाँ रहेंगे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करें। जिस जगह पे आप हैं उस जगह को ओन करें, वहाँ के लोगों को ओन करें, जब आप ओन करेंगे तो फिर आपको आगे से भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, बैक टू योर एल्बम अगेन, कितने एल्बम आपके माशाल्लाह से अवेलेबल? 5 है। ओके, तो कब से आप म्यूजिक में आए, कितना अरसा हो गया? जी मैं म्यूजिक तो मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ। तो आप खुद लिखते हैं सॉन्ग्स पे? खुद भी लिखता हूँ जी, और म्यूजिक भी बनाता हूँ, और मगर मैं फिर भी एम्प्लॉय करता हूँ, काम करता हूँ सबसे दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियंस के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ, और उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले एक कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अभी मैंने टीवी थोड़ी देर पहले ऑन किया था, तो मैं एंटी शौंदे की बात सुन रही थी जी। तो परफ्यूम के हवाले से मुझे थोड़ा इनसे सवाल पूछना था। पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ देखिए, ये परफ्यूम के हवाले से आप ये बता रहे हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये क्या पर्सनैलिटी पे भी असर करती हैं लोगों की? ओके, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं शौंडे से। अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। शौंडे, पर्सनैलिटी पे असर करती है खुशबू? जी 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 करती है जी, मगर जस्ट लाइक हर अगर खाएं, किसी को मच्छी पसंद है, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को या आलू पसंद है, या कुछ भी पसंद है, तो स्मेल भी ऐसी होती है। स्मेल इज समथिंग पर्सनल। अगर आप अपने लेफ्ट नॉस्टल से सूंघें या राइट से करें, तो आपको डिफरेंट स्मेल भी आएगी आपको। तो ये अपने पे होता है, तो पर्सनैलिटी की, और जो भी आपकी पर्सनैलिटी होगी वो आप चूज करेंगे उस किस्म की परफ्यूम को। और जो ये फ्रेग्रेंस है, ये आपकी पर्सनालिटी को भी डिस्क्राइब करती है कि आप किस तरह के हैं। ओके, और खाने की आपने बात की, तो आपको खाने में क्या पसंद है? आप क्या खाते हैं शौक? जी मैं वेजिटेरियन हूँ ऐसे। ओके। और मैं फिश खाता हूँ 1-2 दफा हफ्ते में, मगर ज्यादातर मैं सब्जी खाता हूँ। अच्छा, मतलब ये जो आप इतने तहम्मुल मिजाज हैं, ये इसीलिए क्योंकि जो लोग ज्यादा कहते हैं ना मीट खा रहे होते हैं, उनमें वैसे भी एक गुस्सा और एक एग्रेशन आ जाती होगी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह जितनी देर से यहाँ पे बैठे, एक मुस्कुराहट है, तो थोड़ी सी सब्जियाँ ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम लोग कुछ कम खाते, टिप्स ले रही हूँ ना मैं थोड़ी थोड़ी सी पर्सनैलिटी से, कि लोगों को जो है ना टिप्स मिलनी चाहिए। ओके जी, और हम आपके एल्बम की, आपके म्यूजिक की बात कर रहे थे,
जब कभी स्ट्रेस में आते होंगे, डेफिनेटली इतना काम करें, टेंशन भी होती होगी, तो किस कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है? जी मेडिटेशन, थोड़ा योगा करना, म्यूजिक को सुनना, अच्छे दोस्तों को कॉल करना, बात करना, है जी, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वहाँ रहते हैं आप अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान आना जाना, आपको माशाल्लाह आपने बताया काफी ज्यादा आपका रहता है आना जाना, तो यहाँ पे अपनी फैमिली के, जब वहाँ होते हैं और इस तरह की कोई चीज सुनने को मिले कि फिर कोई नया जो है वो इशू शुरू हो गया है, तो अफसोस होता होगा, दुख होता होगा, फिर किस तरह देखते हैं अपनी चीज़ों को उस टाइम? ये पता है क्या, मैं अमेरिका में dawn.com करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, या जंग या दूसरी दूसरी अखबारें हैं, तो ताकि पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काफ़ी मैं मीडिया के साथ में मेरी बातचीत होती है, तो मैं सुनता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही। तो आई कीप अप टू डेट आप रहने की कोशिश करें। वहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, आपको डेफिनेटली एक ग्रुप भी होगा आपका जो आपके साथ उस पीस के जो है मैसेज को आगे कन्वे करने में आपके काम होता है, तो किस तरह के लोग हैं जिन्होंने आपको वहाँ ज्वाइन किया हुआ है? ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं या वहाँ के भी हैं लोग? पता है जी, मैं कब जब काम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग ज्वाइन करूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को के साथ ज्वाइन करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं कि मैं सोचूं कि भी मेरे साथ ही लोग ज्वाइन करें, मैं दूसरे लोगों के साथ ज्वाइन करता हूँ। बहुत पाकिस्तानी वहाँ पे लोग हैं और दूसरे मुल्कों के भी लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से जो दुनिया के अगर आप काउंट करें, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो मैं बस उनके साथ वर्क करता हूं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी, आपने लॉ भी पढ़ा, और माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें आप और भी अपनी पर्सनालिटी में एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आपको हेल्प भी करती होंगी किसी की साई के जाने में। तो कोई अब तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई एक इंसान से ऐसे आप मिले हो जो आपको लगा हो कि ऐसी भी चीज़ें दुनिया में होती हैं, या इस तरह का एक्सपीरियंस? जी, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, हमारे से बड़े बड़े लोग गए हुए हैं, या हुजूर के बारे में पढ़ें, या दूसरे हजरतों के बारे में पढ़ें, या गांधी के बारे में पढ़ें, मैंडेला के बारे में पढ़ें, या मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ें, तो आप काफ़ी सीख सकते हैं, या कायदे आज़म के बारे में पढ़ें, तो आप काफ़ी बहुत सीख सकते हैं, तो बड़े एग्जाम्पल हैं। तो बस मैं अपनी लाइफ को मैं हर किसी से जो इंसान है उससे मैं सीखता हूँ, इसलिए मेरी वाइड थिंकिंग ऐसी, मैं नहीं सोचता कि वो उस एक ही मतलब टाइप के पर्सन की मैं बात सुनूं, मैं हर किसी की बात सुनता हूं। अच्छा, अब जब आप बात करते होंगे, अब वहाँ पे भी आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे करते होंगे, तो कभी कभार हार्श रिस्पांस भी आता होगा आगे से, डेफिनेटली कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो फॉरेन से नहीं एक्सेप्ट कर पाते चीज़ों को, तो भी कैसे हैंडल करते हैं? जी, मैं एक रेडियो के टॉक शो पे गया था कोई पिछले साल, तो लोगों ने बोला था इस शो पे नहीं जाना, ये आदमी मुसलमानों को पसंद नहीं करता। अच्छा। और ये शायद गाली शाली आपको निकाले कुछ करे, आप नहीं करें, क्यों कर रहे हैं? मैं बोला देखें, मुझे गाली भी लगाएगा निकालेगा, तो मैं थोड़ी सो गाली लगाऊंगा, मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैंने उससे इतनी अच्छी बात की, तो उसने मुझे कहा ना गाली निकाली कुछ नहीं की, उसने बोला जी मैं आपकी म्यूजिक भी सुनूंगा, रेडियो स्टेशन भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह उसको बर्ताव किया उसके साथ। तो इस तरह मैं करता रहता हूँ जी, प्यार से, प्यार से, कुछ भी हो जिंदगी में प्यार से सब सब हो जाता है। ओके, तो मेरे जिस तरह एक कॉलर भी थी उनकी भी फरमाइश थी, तो अगर कुछ और आप अपनी एल्बम से थोड़ा सा कुछ एक दो लाइन, तो पता है क्या जी, अगर देखें आपके कॉलर जो उनसे हैं काफी मतलब के पढ़े लिखे हैं, वो सब जाते यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे 30 मेरे वीडियोस वहाँ पे हैं, वो क्रिसमस के गाने के भी हैं, तो सब कुछ सुन सकते हैं। आप वहाँ से सुन रहे, शॉनरे कह रहे हैं आज हम सिर्फ बातें करेंगे, आज बातों का दिन है। और वहाँ अच्छा, जब यहाँ आते हैं पाकिस्तान, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे जब माहौल देखते हैं आप, तो एक फील यहाँ का बड़ा डिफरेंस है, वहाँ का बड़ा डिफरेंट है, तो किस तरह आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, एकदम से वहाँ चले जाना फिर यहाँ पे आना, क्या ज़्यादा बेसिक डिफरेंस आप क्या देखते हैं अभी भी लोगों में? पहले जी मैं डिफरेंस तो आई डोंट ड्वेल ऑन डिफरेंसेस, आई ड्वेल ऑन सिमिलैरिटीज़ के हम लोग किस तरह मतलब सेम है। तो जी मैं यहाँ से 18 साल की उम्र में गया था, ठीक है मैं 37 साल से ऊपर वहाँ बैठा हूँ, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं वहाँ का हो गया हूँ, या मैं नहीं जानता या क्या होता, नहीं तो मैं जानता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, मगर ये बात ये है कि मेरे ज़माने में
ये भी नहीं था कि कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई मुहाजिर है, हम सभी पाकिस्तानी थे. मुझे एक्चुअली मुझे पाकिस्तान से प्यार है. मुझे लोग बोलते हैं यार आपको कौन सा सियासतदान पसंद है, बोलते हैं यार मुझे सारे सियासतदान पसंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कोई किसी कोई पीपी को पसंद करते हैं या मुस्लिम लीग को या इमरान खान को करते हैं, तो वो करते हैं, तो मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ. बस इस टाइम है. और यूरोप भी आपका रहा, आप यूरोप भी रहे और अमेरिका में माशाल्लाह एक अर्सा आपको गुजारा, तो अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे भी इसी तरह के तफरुकात हैं लोगों के जहनों में पॉलिटिक्स के बारे में? नहीं, नॉर्मली आम लोगों की बात कर रही हूँ मैं. जो सोच है वो वैसी ही है जिस तरह पाकिस्तानियों की यूरोप जाने के बाद है, अमेरिकन्स में जो है सोच वैसे ही यूरोपियंस की भी है पाकिस्तानियों के लिए? जी पाकिस्तान इस वक्त लोग समझते हैं कि फेल स्टेट है और न्यूक्लियर स्टेट है, कुछ करने वाली है, और फैसल शहजाद साहब ने हेल्प नहीं की और दूसरे लोगों ने हेल्प नहीं की जो बमबारी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, टेररिज्म करते हैं. तो बस ये बस मैं यही बताता रहता हूँ कि ये चंद लोग हैं जो करते हैं और हम लोग वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट और हम लोग स्टॉप करेंगे. और पता भी नहीं चला शो का टाइम जो है वो एंड की तरफ चला गया. मैं चाहूंगी जो हमारे यंगस्टर हैं जो आगे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपके उस मैसेज को आगे कंटिन्यू करें, तो आप प्लीज उनसे क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज जो आप दें मेरे यंगस्टर्स को, हमारे यंगस्टर्स? मैं फिर से वो बोलूंगा जी, अपना पर्पस ढूंढें, उस पर सिंगल माइंडेड फोकस के साथ आप वो काम करें तो आप कामयाबी होंगे और कुछ जरूर होंगे. जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा. Thank बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप हमें देके जा रहे हैं और एंड आई होप कि मेरे देखने वालों को भी आज की ये जो एक हमने एक बैठक बनाई थी इसको आपने बहुत पसंद किया होगा. और कोशिश यही थी कि कुछ अमन की, कुछ प्यार की, कुछ मोहब्बत की बात आप तक पहुँचाई जा सके. और ये एक ऐसी जबान है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है और इसका कोई बॉर्डर नहीं होता, तो हर जगह प्यार फैलाएं, मोहब्बत की बात करें, क्योंकि जब आप चले जाते ना तो फिर कुछ भी नहीं बचता. कुछ लोग अगर आपको याद करते हैं तो वो इसी बात से याद करते हैं कि अच्छा आदमी था, अच्छी बात करता था और प्यारी बात कहता था. तो इसीलिए जाते जाते अपने लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ के जाएं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी. अपने वीकेंड को बहुत एंजॉय कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.